सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो हेलो, आई एम सूफिया। आई एम वरीशा। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं ब्यूटी पार्लर का एक्ट, और आपने जैसे कि टाइटल में देख ही लिया होगा। और मम्मी कुछ बोलना है? हाँ, बोलना है, बहुत कुछ बोलना है। ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं, कराते हैं, फेशियल कराते हैं, सब कराते हैं। मतलब अगर आईब्रो कराने जाते हैं तो बताते हैं फॉरहेड, फिर लिप, अपर लिप, फिर कहते हैं ये भी है। मतलब उनको अच्छी तरह से पूरे ब्यूटी पार्लर वालों को उनको पूरा लूटना रहता है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा सा एक्ट हमने बना के आपको पेश किया है। तो चलते हैं बिना किसी देर के, स्टार्ट करते हैं। बहुत टाइम से मेरी फ्रेंड लोग हमसे कह रही, तुम्हारी आईब्रो बड़ी भालू जैसी दिखती हैं, तो आज सोच रहे पार्लर चले ही जाए हम और अपनी आईब्रो बनवा लें। लेकिन यार हमने तो कभी करा ही नहीं है, हमको बहुत सुना है बहुत पेन होता है उसमें, अब क्या करेंगे हम, हमें करवाना भी है और मेरी ब्यूटी में भी कमी आ रही जैसे लोग हमको बोल रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं ब्यूटी पार्लर, आई होप सब सही हो और ज़्यादा हमको पेन ना फील हो। A few moments later. हेलो, यस, वो तो जो आपको करवाना है आईब्रोज। ओके, चलिए बैठिए। बस मैम, हो गया हो गया। मैम आपके अपर लिप भी आ रहा है तो क्या साफ कर दें? देखिए आपका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और ये तो आपके तो यहाँ पे वैक्सिंग की जरूरत है क्या? वैक्स लगा दें? लगवा लो, बहुत अच्छा हो जाए। नहीं, कितना होगा? 200। बड़ी बेरहम थी वो, उसको जरा भी रहम नहीं आया। फालतू नोचे नोचे ऊपर से मेरी पूरी खाल नोचती थी उसमें, उसको जरा भी तरस नहीं आया मेरे पे। अब कभी नहीं जाऊंगी उधर। A few moments later. परीक्षा, क्या वो आईब्रो बना लिया क्या? तो अब तुम कितनी क्यूट लग रही हो तुम। वो पार्लर वाली बहुत बेरहम थी। क्या हुआ बेटा? उसने मेरी बाल तो नोचे नोचे ऊपर से मेरी खाल नोच डाली, उसको जरा सी भी रहम। अरे तुमने पहली बार बनवाई है ना, इसलिए लग रहा है। और अभी तो तुम्हें कल फंक्शन में तैयार होकर जाना है, और फिर वहीं तो जाओगी, वरना घर में कौन अच्छा तैयार कर पाता है? और घर में जो कर लेता है उसके भाव बहुत बड़े हैं। तो ऐसा करो, हमें किसी के भाव वाव नहीं देखना है, तुम जाना कल पार्लर में तैयार होके आना तुमको, ठीक है? दर्द होगा उसमें तो, मेकअप में थोड़ी दर्द होता है, आईब्रो तो बनी चुकी है आज तुम्हारी। अब कल तैयार होके आ जाना। ठीक है, जाती हूँ कल। The next day. जैसे कि मम्मी ने बोला था कि मतलब मेकअप में दर्द नहीं होता, तो ठीक है फिर से हम वही पार्लर में आ चुके हैं। लेकिन अब उसको सबक सिखाएंगे, जहाँ को दर्द होगा वहाँ उसको बोलेंगे जरूर कि भैया धीमे करो, बहुत तेज है तुम्हारी भैया हाथ, बहुत मेरे लग जाती है, मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है उस चीज़ पे। तो ठीक है, चलते हैं तैयार होने, और हमको फंक्शन में जाना है इस वजह से। तो आइए चलते हैं।
अभी हो सकता है? हाँ हो जाएगा। तो चले चलिए। तो हमको तैयार कर दीजिए। मैं अच्छा हाँ तो आपको क्या पहनना है, ड्रेस बताइए। हम पहनेंगे लहंगा। अच्छा तो उसके ऊपर हाई हील बना दें, हील जूड़ा टाइप का। अब हमें कुछ नहीं पता, आप जिससे अच्छे लगे उसको। ओके ओके लेकिन मेरे बाल सीधे ही रखना। ये देखिए, ये आप जो कंघा देख रहे हैं ये हमने लंदन से मंगवाया है। इससे कंघी करने के बाद आप इतनी अच्छे ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी खूबसूरत लग रही हैं। यानी ये मैजिक वाला है? ये मैजिक ऑम है। अरे ये बहुत महंगा कंघा है, आपको इसकी कीमत नहीं दो अंदाजा है आपको। सही बात है, नहीं पता है। हाँ नहीं पता है। अभी आप जब तैयार होंगी जब आप उसकी कीमत जानेंगे। ये देखिए कितना अभी से आपके ऊपर लुक आने लगा है। देखो अच्छा हमको मेकअप चाहिए, वरना दोबारा भी कराना पड़ेगा तो हम इधर ही आएंगे। आप बस बेफिक्र रहिए, तो आप देखिए कितनी आप ब्यूटीफुल हो जाएंगे। मेकअप करो भयानक। ये देखिए कितना अच्छा हमारा आई शेड है। ये देखिए न्यूयॉर्क का है। ये देखिए इतने शेड आपको यहाँ इंडिया में नहीं मिलेंगे, ये न्यूयॉर्क का है। तो आप इंडिया में क्यों खोलिए ब्यूटी पार्लर? क्योंकि यहाँ पे इंडिया वालों को भी बाहर की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हो, आप समझ रही है ना। अच्छा। इसलिए उनकी हेल्प के लिए हमने यहाँ खोल रखा है। तो देखिए आप अब कितनी अच्छी लग रही हैं। आप नजर आ रही हैं कि नहीं? नजर आ रही होंगी। ये मैजिक, ये भी मैजिक है। देखिए इसमें मुंह भी दिखता है कंघा भी होता है। अच्छा तो बहुत डिफिकल्टी है इसमें तो। ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है हमको। नहीं नहीं दिखता है, जो अभी तैयार कम है ना आप इसलिए नहीं दिख रहा है। आप ज़्यादा तैयार जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे आप इसमें। अच्छा तो ये मसला है। हाँ यही मसला है। हाँ लिप्स करिए आप। ये देखिए आ करिए बड़ा सा। ये देखिए कितना अच्छा सा लिप पे कलर आ रहा है। ये पेरिस की लिपस्टिकें हैं। ये हो गया है। ये मेबलिन की है? हाँ मेबलिन की है। मेरे बाल भी है ये। अभी देखिए सब, अभी हम बहुत सारा तभी लगा रही थी तभी तुम दो तीन बार देख चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छा आपका फेस हो रहा है। थोड़ा आराम से करिए, इंसान है। अरे तो इंसान है तो हम भी तो आराम से कर रहे हैं। पिछली बार आपने जो मेरी ब्रोज बनाई थी ना उसमें भी बहुत दर्द हुआ था। तो आईब्रोज में तो अक्सर दर्द होता ही है, तो सही नहीं पड़ता है भाई। नहीं वो मेरा पहली बार था। हाँ तो पहली बार तो लगता ही है, फिर तो उसके बाद तो फिर दो नहीं लगेगा, हैबिट हो जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा आपका लुक आ रहा है। सब आपके सारे जो दाग धब्बे थे वो भी सब हमने छुपा दिए। और आप अब एक बार जो मेकअप आप करवा लेंगी ना तो आप कहीं दोबारा करवाएंगी ही नहीं। तभी तो हम कह रहे थे आपसे कि आप अच्छा मेकअप करो। अरे ये सब हमारा जो है ब्रांडेड चीज़ें हैं वो आपको कहीं पूरी मार्केट में कहीं अवेलेबल नहीं होगी। हाँ आपकी तो भैया न्यूयॉर्क पेरिस वाली है। हाँ यहाँ नहीं मिलेंगी जो हमारा मेकअप है, वो कहीं मिल ही नहीं सकता। और इसलिए और मेरा सबसे रेट भी थोड़ा हम बढ़ा के इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई मेरा मेकअप भी भाई ज़्यादा है महंगा वाला। इसलिए आप देखिएगा इतना अच्छा हम आपको तैयार करते हैं। ओके वो तो देखिए वो तो कंप्लीट हो गया है। अब आपका हेयर कर दें अच्छा सा। ये देखिए आपके बाल थोड़ा रफी से लग रहे हैं थोड़ा। हम इसको अच्छा, आप आइएगा हम आपका शैम्पू कर देंगे बहुत अच्छा वाला। अच्छा मेरे पास बहुत अच्छा वाला शैम्पू है, उससे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाते हैं। ये देखिए आपका लुक हम एकदम निखार के लाएंगे। सही है, नेक्स्ट टाइम पे इधर ही से तैयार होंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, और कहीं नहीं जाइएगा। रकम
अपनी बाल पीछे कर ले तो नहीं नहीं इससे जरा लुक कम अच्छा लगेगा, ये ज्यादा लुक अच्छा लगेगा। देखा आपकी मेकअप में जादू कर दिया। ये देखिए आप कितनी क्यूट लग रही हैं, है ना? आप इसको ड्रेस कोड पे पहनिए बस तब बहुत अच्छा लगेगा। जाइए चेंज कर के आते हैं। ठीक है। A few moments later. So, change तो कर लिया हमने, पर बाल थोड़े से वैसे हो गए। चलो फिर हाँ, तो आप सही कर लीजिए। आइए, हाँ हम चेंज करके आ गए, थोड़ा देख लीजिए अपनी। मेरी मम्मी को ये लुक पसंद आएगा? हाँ बिल्कुल पसंद आएगा, क्यों नहीं पसंद आएगा। और देखिए आपको, आपने तो कहा था कि जूड़ा नहीं बनाइएगा, तो हमने जूड़ा इसलिए नहीं बनाया, वरना आपका जूड़ा बना देते। लहंगे में जूड़ा भी अच्छा लगता है। ये देखिए नहीं, जूड़े से मेरे बाल थोड़े से वैसे हो जाएंगे ना। हाँ कितना अच्छा लगता है। देखिए वेरी गुड। अब जाइए अब घर जाके अपने मम्मी से पूछिए कि कैसे बनते हैं। गला काटने वाले लोग तो कितने हुए आपके पैसे? बस कुछ नहीं, बहुत मामूली सा है, 10,000। 10,000 जैसा कुछ किया भी है आपने मेरे लिए? अरे इतना पेरिस का लंदन का मेकअप आपके हमने लगाया है, इतना हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। आपको पहले, आपको ये मेरे पार्लर में आने से पहले आपको सब देख लेना चाहिए था कि मेरे यहाँ पूरी लगी हुई है लिस्ट, कितना मेकअप है, कितना क्या चीज है। और ब्राइडल का 20,000 हम लोग लेते हैं, समझ रही हैं आप? ब्राइडल का तो होता ही है, बट हमने ब्राइडल वाला लुक थोड़ी लिया है। तो लुक तो नहीं लिया, तभी तो हमने 10,000 आपसे लिए। आपको 10,000 तो देना ही पड़ेगा। कुछ डिस्काउंट? डिस्काउंट चलिए 100 रुपए कम कर दीजिए। ठीक है, आपको पेटीएम कर देंगे। ओके, लेकिन कैश कर देती ज्यादा अच्छा था। मेरा पैसे नहीं है। ठीक है चले आते हैं कराने के लिए। ऐसा नहीं है, पेटीएम। A few moments later. देखते हैं मम्मी को पसंद आया कि नहीं पसंद आया। मम्मी कैसा हाँ? लग रहा है? अच्छी तो लग रही है वैसे, अच्छा मेकअप किया है। मतलब कुछ ज्यादा एक्साइटेड वाले नहीं लग रहे? हाँ नहीं नहीं ठीक है, उसने मेकअप तो सही किया है, बस थोड़ा सा बाल थोड़े से आप बूढ़ा बनवा लेती, ज्यादा क्यूट लगती। नहीं मेरे बाल को थोड़े से डैमेज है इस वजह से हमने कहा। हाँ तो ठीक है, और जूड़ा भी सही बनता। अच्छा 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 ठीक है। और पता है हाँ, मैं भी कह रही थी कि मेरे पास आ जाना, तुम्हारा बाल सब सही कर देंगे। बहुत अच्छी अच्छी पार्लर वाली है ना। हाँ। पैसे बिल्कुल बहुत कम लेती है सुना है। 10,000 लिए? हाँ 10,000। किस बात की भाई? वही तो अभी बोले, क्या ऐसा क्या 10,000 वाला कर दिया? नहीं तो ये तो बस 2,000 वाला मेकअप है। और तो आपने क्या पेटीएम कर दिया? हमने बोला पेटीएम कर देंगे, अभी फोन नहीं ले गए थे ना। अच्छा मेरे बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी होगा, हमने उनको पेटीएम अभी नहीं करा है। क्यों कर देती? फोन नहीं ले गए तो ऊपर से वो ब्यूटीशियन क्या बोलती हमको कि कहाँ से आ जाते हैं। हाँ तो क्या करें, थोड़ा अपनी वैल्यू बनाने के लिए, भले मेकअप अच्छा ना होगा लेकिन वैल्यू बनाने के लिए देना ही पड़ता है पैसे। दे देती वरना अभी चार में जाएंगे तो कहेंगे जी भी हैसियत नहीं थी, पार्लर वाली 1,000 जगह जाती है, वो सबसे यही कहेगी कि राजू की लड़की आई थी और मेकअप करा के चली गई, और देखिए पैसे तक के नहीं दिए, बदनामी हो रही है। भले नहीं उसने अच्छा किया लेकिन अपनी नाम की उसको रेपुटेशन बनाने के लिए आपको दे देना चाहिए था। अरे तो बोला था मैं पेटीएम कर दूंगी। हाँ कर देना, इज्जत की बात है। हाँ उसका नंबर भी ले आया। नहीं नहीं इज्जत की बात, आप कर दे रहे अभी हम कर दे। हाँ ठीक है ओके। मम्मी हम सोच रहे हैं हम लोग पार्लर खोल लें। क्यों बेटा? धंधा बहुत चलेगा हम लोग का। हाँ ये बात तो सही है, अब इतना सा नाखून भी काटना हो तो 500 रुपए ले लेती हैं। वही तो, ये 10,000 का मेकअप है। हाँ बताइए जरा। और मतलब मैं अगर लोकल भी प्रोडक्ट होगा ना, उसके बावजूद भी वो इतना लूट गई हमको 10,000। और लोग एक हाथ की मेहंदी लगवाने के 1,000-1,000 रुपए दे देते हैं, बताइए तो कितना इसमें कितना इनकम होती है और कितना लोग लूटती हैं। कितना प्रॉफिट है इन लोग का। तो चलो हम लोग कल से ब्यूटी पार्लर ही खोल लोग कल से खोल लेंगे ब्यूटी पार्लर। एक्टिव करना बंद कर देते हैं, कल से ब्यूटी पार्लर खोलते हैं। ठीक है, आज आपको मेरी वीडियो ये छोटी सी छोटा सा जो मेरा एक्ट था वो आपको कैसा लगा, और आई होप आपको एंजॉय करा होगा आपने इस वीडियो में। और आपको ये थोड़ी सी ये रियलिटी वीडियो है बेस्ड, तो आपको पसंद आनी चाहिए। और लाइक अगर अभी आप तक नहीं कर रहे हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर ज़रूर करना। और आज की रेसिपी के बारे में है,
चटकारा बोटी वो हमने बनाई है, सबको खिलाई है, सबके बहुत चटकारे लग गए हैं। अब आप लोग बनाइए, खाइए, चटकारे लगाइए, खुश रहिए, और कल तक की वीडियो के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। आज हम बनाने जा रहे हैं चटकारा बोटी। उसके लिए हमने रूखा गोश्त लिया है, देखिए पाव भर छोटी छोटी, इतने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसको उबाल लेंगे। ये देखिए हमने प्रेशर कुकर लिया है, उसमें ये हम सब अपना डाल देंगे सारी बोटियाँ। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक थोड़ा सा, लिटिल बिट, और ये आधी प्याज, ये डाल के हम इसको दो सीटी के लिए आंच पे रख देंगे। दो सीटी के बाद कुकर बंद कर देंगे। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इससे पानी बहुत छूटेगा। अभी हम इसको ऐसे ही प्रेशर कुकर लगा बंद कर देंगे, इससे अभी बहुत पानी छूटेगा। देखिए चटकारा बोटी के लिए हम चटनी बनाने जा रहे हैं। हरा धनिया है थोड़ा, 7-8 कलियां हैं लहसुन की, और 7-8 हरी मिर्च है, और थोड़ी सी इमली। इसको पीस के हम चटनी बना लेंगे। ये चटनी हम आपको पहले भी वीडियो में दिखा चुके हैं। अच्छा, ये देखिए हमारी बोटियां गल चुकी हैं, बोटियों ने तेल छोड़ दिया है, बिल्कुल सूख गई। अब हम इसको निकाल के इसमें मसाला लगाएंगे। ये देखिए अब हम इसको मसाला लगाने के लिए 2 चम्मच कॉर्न स्टार लेंगे और 2 चम्मच मैदा लेंगे। ये देखिए अब इसमें लेंगे, अदरक लहसुन पहले डाल चुके थे इसलिए थोड़ा ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, और थोड़ा उसमें नमक भी मिला चुके हैं तो नमक भी थोड़ा ही लेंगे। ये इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, कलर अच्छा आएगा इससे, कड़वी कम है ये। ये इसमें डेगी लाल मिर्च थोड़ी सी, और अब डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। ये देखिए ये सब हम मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने सब मिला लिया है। अब इसमें हम मिला देंगे 1 कटोरी दही। ये देखिए सब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से मसाला हो गया है। अब हम इसको इसमें मिलाएंगे। ये देखिए अच्छे से इसको, देखिए इसमें चर्बी निकल रही है, इसको पहले चर्बी को हम निकाल देंगे कोई चीज़ में। ये देखिए हम इसको अच्छे से मसाला लगाए दे रहे हैं इस बोटियों में। सब अच्छे से इसको खूब अच्छे से लगाना। हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, फिर उसके बाद बनाएंगे। देखिए भाई बैटर रखे हुए 1 घंटा हो चुका है, अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको चम्मच की मदद से कढ़ाई में तलेंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, इसी तरह सारी हमको डाल देना है एक एक करके। देखिए हमारी कितनी अच्छी सी आंच पे सिक रही है धीमे धीमे। ये देखिए हमारी बोटियाँ कितने अच्छे से कुरकुरी और क्रंची हो गई हैं। हम इनको सब निकाल लेंगे। जो बची हैं इनको भी हम ऐसे ही डाल दें। ये देखिए हमारी
बोटियाँ तैयार हो गई हैं, चटपटी बोटियाँ हैं। आप खा कर देखिए, चटकारा बोटी, ये देखिए कितनी अंदर तक गल गई हैं, एकदम अच्छे से गली हुई हैं। ये देखिए, इसके साथ ऐसे ही लगाइए और खाएं।